खान, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो। क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक तुम मुझसे मिलते रहोगे, और जितनी हमारी मुलाकातें बढ़ती जाएगी उतना मेरे लिए तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम यहाँ मेरे लिए नहीं, दुर्गा के लिए आए हो। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, बस एक ही बात बार बार क्यों कहती रहती हो तुम? तुम एक बार क्यों नहीं समझ सकती कि मैं बदल चुका हूँ? मैं पहले वाला आर्यन नहीं रहा, सच्चे रिश्तों को जानने लग चुका हूँ मैं। मुस्कान, सबसे जरूरी बात यह है कि मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही नहीं। आर्यन प्लीज कुछ मत कहो, तुम नहीं जानते कि ये शब्द मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। कल शायद तुम्हारे लिए इन शब्दों का अर्थ बदल जाए, लेकिन ये बदलाव तो मुझे मार ही देगा। नहीं मुस्कान, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता, जब तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? देखो मैं मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। आर्यन, आर्यन प्लीज प्लीज चुप हो जा, ये सब ठीक नहीं है। इस बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहती। अगर मैंने तुम्हारी सारी बातें मान भी ली तो मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल मुझे अपने टूटे हुए दिल का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे जाना ही है। अगर जाना ही था तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुमसे शुक्रिया कहना है इसलिए। शुक्रिया? मुझे किस बात का? मुझे कुछ ऐसा देने के लिए कि तुमसे दूर रहकर भी मैं जी पाऊंगी। माहिर, आर्यन ये माहिर है तुम्हारा बेटा। जाने से पहले मैं ये चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो। मुस्कान, हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ जाने अनजाने में जुड़ी रही है, और आज हमारे बीच ये प्यारा सा कीमती सा हीरा है, और तुम जाने की बात कर रही हो। तुमने मेरे और मेरे बेटे के बारे में क्या सोचा है? हमारा क्या मुस्कान? तुमने मेरे और मेरे बेटे के बारे में क्या सोचा है अभी? बोलो आर्यन, चुप क्यों हो? जवाब दो। तुम क्या जवाब दोगे? एक और झूठ बोलोगे। मगर सच तो ये है कि तुम खुशी को कभी भूले ही नहीं थे, और इस बात का सबूत मुझे कुछ दिनों पहले ही मिल गया था जब मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारा और खुशी का एक बेटा भी है। तुम दोनों के प्यार की निशानी। मगर जब तुम फिर से मेरी जिंदगी में लौटा है, न जाने मेरा मन क्यों ये विश्वास करने लगा कि इस बार तुम मेरे, सिर्फ मेरे बनकर रहोगे। लेकिन मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। मुझे लगा भी था कि तुम में कुछ बदला सा है, और क्या बदला हुआ है वो मैं साफ साफ देख रही हूँ। देख रही हूँ कि तुम बिना किसी हिचक के अपना हाथ खुशी की तरफ बढ़ा चुके हो। आर्यन, तुम्हें आज इसी वक्त एक फैसला करना होगा कि तुम किसको चुनना चाहते हो, मुझे या खुशी को। तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था,
करवाया गया था। जानते हो ये किसका काम था? तुम्हारी पत्नी दुर्गा। तुमने तुम्हारे दिल में हमेशा खुशी को ही चाहा है। खुशी ने मरकर भी तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लिया, इतना चाहती है वो तुम्हें। तुम्हारे लिए किस बात का ज्यादा महत्व है आर्यन? उन कसमों का जो तुमने मेरे साथ खाई थी, या उन वादों का जो तुमने खुशी के साथ किए थे? तुम क्या चुनना चाहोगे आर्यन, अपना प्यार या अपना परिवार? मैं मुस्कान को चुनता हूँ, मुस्कान को चुनता हूँ, मुस्कान को चुनता हूँ, मुस्कान को चुनता हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने सच्चे प्यार के साथ बिताना चाहता हूँ, और मेरा सच्चा प्यार तुम नहीं, मुस्कान है। चलो मुस्कान। ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? मैंने खुशी के बारे में आर्यन को इसलिए बताया था ताकि उसके दिल में दुर्गा के लिए नफरत पैदा हो जाए, उसकी जिंदगी में दुर्गा की कोई अहमियत ना रहे। लेकिन अब वही बात मुझ पर उल्टी पड़ने लगी है। दुर्गा, दुर्गा जो हमेशा मेरे रास्तों पर मुश्किलें खड़ी करती थी, आज आर्यन को भी उन दो राहों पर खड़ा कर दिया जहां से उसे किसी एक को चुनना था। और जाहिर है आर्यन ने खुशी को ही चुना, क्योंकि आर्यन के दिल में दुर्गा के लिए जो जहर मैंने भरा था वो अपना काम कर गया। लेकिन अब क्या होगा? मैंने तो यही सोचा था कि अब तक दुर्गा की मौत हो चुकी होगी आर्यन के हाथों, लेकिन नहीं नहीं, आर्यन दुर्गा को छोड़कर खुशी के साथ चला गया। तो अब क्या होगा, क्या होगा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये आने वाले चार दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगामी चार दिनों बाद दोनों बच्चे अपने आयु के 7 वर्ष पूरा कर लेंगे, और ऐसा होते ही हमारी चिंताओं का अंत हो जाएगा। बस ये 4 दिन हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे, परंतु किसी दिशा से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमारे रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है, कोई बाधा आ सकती है। तमीर का बचने का हर रास्ता एक एक करके बंद हो रहा है, उसका हर प्रहार मंद पड़ रहा है, सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है तिमीर के लिए। बिखर गया? ताश के पत्तों से एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास, सब कुछ। जब आर्यन मेरे साथ नहीं थे तब भी उनकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहता था। वो प्यार के पल जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे, उनकी खुशबू अभी भी बाकी थी। और जब मुझे पता चला कि आर्यन ने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तब भी उस गुस्से को जो मेरे मन में उठा था मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब जब आर्यन ने
मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है, तो मेरे लिए क्या बचा है? दुर्गा, ऐसा नहीं हो सकता। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है दुर्गा। गलत फहमी में तुम्हें पहले थी। मैंने खुद आर्यन से बात की है। और क्या खुशी आर्यन की पत्नी नहीं थी? क्या खुशी आर्यन का पहला प्यार नहीं थी? तो उसने गलत फहमी जैसी क्या बात है? और आर्यन खुशी के पास क्यों गए हैं? हम सब जानते हैं। मगर आर्यन के चले जाने से मेरा सपना कांच के टुकड़ों सब बिखर गया। सोचा था मैंने अपना परिवार फिर से पा लिया, मगर नहीं, मैंने तो सब कुछ खो दिया, आर्यन को खो दिया। और लगता है अब वो लौट कर कभी नहीं आएंगे। मैंने तो सब कुछ खो दिया। मैंने दुर्गा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, मगर तुम ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? पर आर्यन, तुम इतने कैसे बदल गए? जब तुम यहाँ से गए थे तब तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और क्योंकि अब मुझे कुछ सच्चाइयों का पता चल चुका है और उन सच्चाइयों ने मेरा दिल बदल दिया है। लेकिन आर्यन, कौन सी सच्चाई? प्लीज प्लीज मुस्कान, मुझसे ये मत पूछना। सिर्फ ये समझ लो कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान चुका हूं कि मेरा सच्चा प्यार कौन सा है, और उसी सच्चे प्यार के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। और मेरा सच्चा प्यार तुम हो मुस्कान, तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो ना? हाँ आर्यन, पर बस मुस्कान, तुम्हारी इस हाँ में मुझे सब कुछ मिल गया। अब मेरे लिए मेरी दुनिया वही है जहां तुम और मैं साथ साथ हैं। कैसे बदल सकता है? क्या ये सच है? मैं मुस्कान को चुनता हूँ, मुस्कान को चुनता हूँ, मुस्कान को चुनता हूँ, मुस्कान को चुनता हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने सच्चे प्यार के साथ बिताना चाहता हूँ, और मेरा सच्चा प्यार तुम नहीं, मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो, कौन? देखिए इंस्पेक्टर, इस वक्त मैं नहीं आ सकती। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप मुझसे उस निशान के बारे में बात करना चाहते हैं? वो चमकती हुई बिजली का निशान? ठीक है, मैं आती हूँ। लगता है तिमिर के बारे में उन्हें कोई और बात पता चली है। मुझे चले ही जाना चाहिए। देखकर आती हूँ कि पुलिस क्या छानबीन कर रही है। बहुत अजीब सा इत्तेफाक है दुर्गा जी, दो केस जिनका आपस में बिल्कुल कहीं कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक धागे से बंधे हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आपको वो चमकती हुई बिजली का निशान तो याद होगा दुर्गा जी, जो हमें डॉक्टर मल्होत्रा के ग्लास पर मिला था जब उनकी मौत हुई थी। अब आप ये देखिए,
कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहां उस खुदाई पर काम करने वाला मेन आदमी मृत्यु पाया गया, ध्रुव। जी हाँ, क्योंकि वही इस पुरानी इमारत की खुदाई का काम देख रहे थे। ध्रुव मृत? लगता है आप ध्रुव को जानती थी। हाँ, वो हमारे गुरुजी का पोता है। मैं ये तो जानती थी कि ध्रुव का कुछ पता नहीं चल रहा, मगर उसकी मौत? जी हाँ, ध्रुव की मौत का सबसे पहले पता उनके साथ काम करने वाली उनकी कलीग खुशी को ही मिला था। उसी ने सबसे पहले ध्रुव की लाश को देखा था। दुर्गा जी, कुछ दो चार बातें और जो हमें परेशान कर रही है। इस भवन के साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियां कहते हैं आज से कुछ 2000 साल पहले इस भवन में शैतानी शक्तियों का मालिक जो कि एक बच्चा था वो रहा करता था, जिसे आसपास के लोगों ने मार दिया था। अब सुनने में आया है कि वही बच्चा वापस आ गया है इस दुनिया में विनाश फैलाने के लिए, बुराई फैलाने के लिए, शैतानी शक्तियों का संचार करने के लिए। दो मौतें दुर्गा जी मैंने थोड़े ही समय में देखी, पहले डॉक्टर मल्होत्रा की और अब ध्रुव की, और इन दोनों मौतों के साथ वो निशान भी जुड़ा हुआ है, वही निशान जिसका संबंध उस बच्चे से भी है। ऐसा लगता है दुर्गा जी उस भवन के साथ जुड़ा हुआ विश्वास फिर जागने लगा है, वो कहानी सच साबित होने लगी है ना दुर्गा जी? कहानी सच साबित हो रही है। वो बिजली चमकने का निशान जो तिमिर पर भी है क्यों बार बार सामने आ रहा है? ये बात तो बहुत ही अजीब और मेरी समझ से परे है। मुझे कौन समझा पाएगा ये बात? किससे पूछूं इसके बारे में? ध्रुव की मौत का सबसे पहले पता उनके साथ काम करने वाली उनकी कलीग खुशी को ही मिला था, खुशी को ही मिला था, खुशी को ही मिला था। उसी ने सबसे पहले ध्रुव की लाश को देखा था, लाश को देखा था, लाश को देखा था। खुशी?